नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपक लोनी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही पॉपुलर हरियाणवी सॉन्ग, रे मन्ने बहु बदल दी चार पर एक न ढंकी आई। तो बहुत ही फनी सॉन्ग, मतलब बहुत ही फनी सॉन्ग और बहुत ही प्यारा सॉन्ग और बहुत ही आसान। जो इसका पैटर्न है वो बहुत ही आसान है, सभी अंतरे सेम सरगम पर प्ले होते हैं, और जो कि मतलब स्थाई भी है, और जो अंतराय मतलब कहें तो जो सॉन्ग की लाइन है उसके जो पैटर्न है वो भी बहुत छोटे हैं। तो चलो देखते हैं, पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद स्लोली स्लोली इसके नोट्स बताऊंगा, और जो मैं आपको नोट्स बताऊंगा वो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिससे आपको सीखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो जो फर्स्ट लाइन है, मतलब सॉन्ग के जो बोल हैं, कहीं पर थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग है। बाकी सरगम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बोल जो हैं गलत हो सकते हैं, हरियाणवी हैं, क्योंकि मुझे हरियाणवी तो आती नहीं। तो चलो फिर भी देखते हैं। तो जो सॉन्ग शुरू होता है, रे मन ने बहू बदल दी चार पर एक न ढंकी आई, मेरी पहली बहू जब आई संग लौंडा लौंडिया लाई, इसी के 70 यार लग गए आवाजाही। तो इसी टाइप का है कुछ। तो अभी सरगम पहले पहले प्ले करके दिखा देता हूँ, उसका नोट्स बताऊंगा, तो देखिए कैसे। रेस के पिछले 70 यार लग गई आवाज आही, तो यही कह रहा था, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो लाइन मैं आपको बता देता हूँ, मेरी पे मैंने बहू बदल दी चार पर एक न ढंकी आई, इसी तो उसके बाद जो है लगभग अंतराय शुरू हो जाता है इसका। तो जो भी है मैं आपको लाइन बाय लाइन लाइन भी बताऊंगा और नोट्स भी बता दूंगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो चलो फर्स्ट लाइन है, मने बहू बदल दी चार। तो स्लोली स्लोली देखते हैं, मने बहू बदल दी चार। मन ने बहू बदल दी चार पर एक न ढंकी आई। तो एक चीज बता दूं, जो इसमें म है वो तीव्र है, तो जब ऊपर नोट्स देखोगे यहाँ ऊपर स्क्रीन पर, तो कंफ्यूज मत होना, जो म है वो तीव्र है। तो क्या लाइन थी, तो एक भी ढंकी मैंने बहू बदल दी चार पर एक ही ढंग की ना आई। तो पूरी लाइन देखिए, मन्ने बहू बदल दी चार पर एक न ढंकी आई। तो ये लाइन हो गई, बाकी सॉन्ग को एक बार सुन लेना। हालांकि ये वैसे लोकगीत टाइप का कह सकते हैं, लेकिन इसका एक सॉन्ग है जो मतलब ओरिजिनल है, कहें तो मतलब जो वैसे पूरा एक अलग सॉन्ग है, तो उसको सुन लेना। तो जो भी है देखो, ये लाइन तो हो गई, उसके बाद जो मतलब कहें तो इसका अंतराय शुरू हो जाता है एक तरह से, और पैटर्न मैंने कहा ही था बहुत ही आसान है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट लाइन।
उसके बाद जो मतलब अंतरे अंतरे की जो फर्स्ट लाइन है, मेरी पहली बहू जब आई संग लौंडा लौंडिया लाई, तो ये कैसे? तो ये जो है हमने ग से शुरू करना है, नेक्स्ट लाइन संग लौंडा लौंडिया लाई। जो पूरी लाइन है वो देख लीजिए, मेरी पहली बहू जब आई संग लौंडा लौंडिया लाई। तो इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन, और वो जो लाइन है हम पहले मतलब उसकी सर जो सरगम है हम पहले प्ले कर चुके हैं, तो देखो उसके पिछले 70 यार लग गई आवाज आई रे, उसके पिछले 70 यार। तो ये लाइन वो है जो हमने शुरू में प्ले की थी, मेरी पहली बहू जब आई, उसी सरगम पर है, कुछ भी चेंज नहीं करना, पूरा का पूरा वही उसके पिछले 70 यार। मेरी लग गई आवाज आई, तो है ना मतलब वही सरगम। तो बस इतना ही हमें जो सॉन्ग है उसमें सीखना है, बाकी जो है सॉन्ग तो आगे को भी है, लेकिन सरगम जो है सेम है, पूरा डिट्टो ऐसे ही प्ले होगा। कहें तो मतलब देखो ये लाइन स्थाई की, ये जो लाइन थी स्थाई की है, और ये अंतरे की। ये स्थाई की, उसके बाद फिर सॉरी ये अंतरी की। तो स्थाई अंतरा इस तरह से प्ले होगा, तो बहुत ही आसान है। बाकी सॉन्ग को एक बार जरूर से जरूर सुन लेना, अगर आपने सुना है तो बहुत खूब। तो सॉन्ग जो है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मस्त है, और थोड़ा सा फनी भी है। तो मैंने जब पहली बार सुना था मुझे बहुत ही फनी लगा था, लेकिन अच्छा है सॉन्ग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।